हेलो, नमस्कार, वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे अपने घरों में। अभी बज रहे सुबह के 6, बस 5 मिनट बचे। सो अभी मैं उठ गई हूँ और अभी जेरी और मम्मा भी उठे हुए हैं। मैं बस वॉक पे जा रही हूँ और जेरी खेल रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, मम्मा के साथ खेलने में लगा हुआ, तो इसे खेलने देते हैं और हम चलते हैं वॉक पे। गाइस मैं जा रही हूँ तो इसको कितनी हो रही है बाहर आने की। देखो उछले जा रहे, उछले जा रहे। कहाँ आना है? अच्छा अच्छा चलना है वॉक पे, चलना है। नहीं अभी आप निन्नू करोगे, बहुत देर से खेल रहे हो आप। कर रहा है। उसको रोना आ रहा है, मेरे बिना जा रही है दीदी। जबकि आधे घंटे से बाहर ही खेल रहा है ये, उठ के 5:30 बजे से। दीदी घूमी घूमी गई दीदी। चलो अब मम्मा के पास रुको, ठीक है? अभी आऊंगी मैं थोड़ी देर में। दीदी बाय बाय। अभी नहीं बेटा, अभी नहीं। वहाँ जैकी घूम रही है, वो आपके पास आएगी फिर। उसको कितना गुस्सा आ रहा है। चलो बाय, मैं आती हूँ। तो गाइस अब मैं आ चुकी हूँ और सोचा तो है आधे घंटे की वॉक करूँगी, बट अब देखो कितनी देर हो पाती है। सो अभी चलते हैं और थोड़ी वॉक करते हैं। बाय द वे मौसम अभी बहुत ही अच्छा हो रहा है, इतनी गर्मी नहीं हो रही इतनी सुबह सुबह। अभी बस स्टार्ट होगी गर्मी शुरू होना। सो बट अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये पहले यहाँ तक की रोड थी, अब आप देख सकते हैं बिल्कुल पीछे तक वहाँ पे रोड बन गई है। सो अब ये वॉकिंग ट्रैक काफ़ी बड़ा हो चुका है, सो आज हम ज़्यादा चक्कर मार पाएंगे। सो लेट्स गो। तो गाइस देखिए अभी बस सनराइज़ होने ही वाला है, अभी तक सनराइज़ हुआ नहीं है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, अभी जब पूरा सनराइज़ होगा ना तब दिखाऊंगी मैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं सनराइज़ पूरा हो चुका है और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है ये। सो बहुत मज़ा आ गया है सुबह सुबह ही। ओह और लगभग मेरी भी 15 मिनट्स की वॉक पूरी हो चुकी है। सो ऐसा लग रहा है कुछ आज का नज़ारा। सो मोर 15 मिनट्स टू गो, लेट्स कंप्लीट इट। सो गाइस 30 मिनट्स पूरे हो गए, 6:30 हो गए। सो लास्ट राउंड चल रहा है, बस अब घर चलते, मॉर्निंग ड्रिंक बनाते हैं। उसके बाद मेरी 2 क्लासेस है 1-1 घंटे की। सो लगभग अभी 2 घंटे में फ्री हो पाऊंगी मैं, तो बस थोड़ी देर में मिलते हैं। बनाते हैं, बस मेरे को एक ही आती है पोनी बांधनी, तो बाकी जैसे भी स्टाइल के बनाने होते तो मम्मी बना देते हैं। सो बस अभी बाल बनवाते हैं, रेडी होते हैं और रेंज के लिए निकलते हैं। तो गाइस बाल वाल बन चुके हैं और बिल्कुल रेडी हूँ मैं रेंज जाने के लिए। बस अभी अपना ब्रेकफास्ट और लंच पैक करती हूँ और फिर बस चलते हैं रेंज। और ये निष्ठा भी उठ गई है, साथ में खाना बना रही है, तो बस अभी पैक करते हैं लंच। तो आज बनी है आलू मटर की सब्ज़ी और रोटी, तो ये हमारा ब्रेकफास्ट होगा। और लंच भी प्रिपेयर्ड है, दाल चावल बने हुए, तो अपना ब्रेकफास्ट और लंच पैक कर लेते हैं। तो गाइस अब मेरे तीनों टिफिन पैक है, एक में रोटी है, एक में सब्जी है और एक में दाल चावल है, क्योंकि मैं पूरा दिन वहीं रहती हूँ। अब सीधा मैं शाम को आऊँगी 7 बजे, तो पूरे दिन का पूरा खाना लेके जाती हूँ मैं, नहीं तो फिर ना क्या होता है वहाँ पे कुछ ना कुछ ले के बाहर का फिर जंक फूड ही जाएगा। तो पूरे दिन का खाना रेडी है और अब हम इसे पैक करते हैं और चलते हैं। तो गाइस रेडी हो गई हूँ मैं और बहुत ही ज़्यादा गर्म होने लग गया अभी से ही, अभी बस 10 बज रहे हैं। आज जैकेट वैकेट सब पहन के आई हूँ मैं, क्योंकि इतनी धूप होती है
और 2 दिन में बिना जैकेट के गई हूँ, मेरे पूरे हाथ बिल्कुल काले हो गए थे सो ब्लैक एंड वाइट हो गई मैं। सो आज मैंने प्रिकॉशन लिए और अब रास्ते में तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं ले पाऊँगी क्योंकि निष्ठा है नहीं मेरे साथ, तो बाइक पे इट्स नॉट सेफ कि मैं एक हाथ से फ़ोन पकड़ूँ और चलाऊँ। सो अब मैं मिलती हूँ आपसे रेंज पे पहुँच के। सो गाइस अब मैं पहुँच चुकी हूँ अपने रेंज और बस खिड़की वगैरह खोली, अभी सब बैग वैग रखा है, बस अब खाना खाती हूँ, बहुत तेज़ भूख लग गई है। और यहाँ पे थोड़ी साउंड प्रॉब्लम भी हो सकती है क्योंकि ये बिल्कुल मेन रोड पे ही है, तो काफ़ी ट्रैफिक की आवाज़ और यहाँ वेल्डिंग वगैरह का भी काम होता रहता है तो उसकी भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है। सो बस अब करते हैं अपना ब्रेकफास्ट और फिर आज शूटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। सो गाइस दीदी तो गई हुई है अभी रेंज और हम जेरी को लेके जा रहे हैं वैक्सीन के लिए, और ये अभी गाड़ी में यहाँ बैठा हुआ है, कार्टन मिल आई हूँ इससे मैं अभी, और उबासी आ रही है इसको और समझ भी नहीं आ रहा क्या करना है क्या हो रहा है, तो कार्टन से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, मेरी गोदी में आ रही है इसको। और आज वैसे धूप तो नहीं है पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, मौसम गर्म ही है आज, तो चलिए वहाँ चल के देखते हैं क्या होता है। सो जेरी अभी बाहर देख रहे हैं, बाहर के नज़ारे इंजॉय कर रहे हैं और उबासी ले रहे हैं, देखिए इसे। हाँ क्या हुआ क्या हुआ, गाड़ी में आया घूमी। गाइज हम आए तो थे वैक्सीन के लिए पर इसके अभी 45 डेज कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो अभी एक दो दिन बाकी है इसके 45 डेज कंप्लीट होने में, तो उसके बाद ही लगेगा वैक्सीन, तो हम आएंगे अभी 2-3 दिन में। और जरूर अभी देख रहा है कि क्या क्या चल रहा है, कहाँ आ गया मैं, है ना बेबी, कहाँ देख रहे हो, कहाँ गए, हेलो गधे भी उसको, हेलो गधे हेलो, है ना घर। सो गाइस वैक्सीन तो लग नहीं पाई, अब हम जा रहे हैं घर, इसके अभी 45 डेज कंप्लीट हो जाएंगे फिर लगवाएंगे इसको वैक्सीन, और अब इसको बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो ये परेशान हो रहा है, चलते हैं अब हम घर और मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस मैं अभी घर जा रही थी और मुझे यहाँ से एक बहुत ही सुंदर और प्यारा व्यू दिखा है, तो मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर किया जाए। सो एक मिनट में आपको बैक कैमरा करके अच्छे से दिखा दी। तो गाइज अब मैं घर आ चुकी हूँ और अभी चल रहा है हमारा टी टाइम स्नैक, ये चाय बन के आ गई है यहाँ पे और ये निशु और यहाँ जेरी खेल रहे ये देखो। सो अब चाय वाय पीते हैं, काफ़ी थकान हो गई है। सो बस अब आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।